तो यहाँ पे मिल्क का प्राइस है 679, तो इंडियन रुपीज में हो गया ये 135 का 1 लीटर है। और ये भी है, ये है कितने का, 1060 का, 1060 का, तो ये हो गया 212 रुपए का 1 लीटर दूध। महंगा है इंडिया से, यूक्रेन के प्राइस के बराबर का है। तो ये सुपरमार्केट है, ये लोग भी प्राइस ही देख रहा है कि कैसा है यहाँ पे। कैफीर का प्राइस क्या है, 525 105 का। यहाँ कैफीर सस्ता है, यूक्रेन से बहुत ही सस्ता है, और इंडिया में तो कैफीर मिलता नहीं, दही मिलता है वहाँ। ये भी मोलोको है, तो ये मोलोको है 475 का डिवाइडेड बाय 5, तो 95 का। दूध भी यहाँ सस्ता है, मेन खर्चा तो ये दूध दही ये सब सस्ता है यूक्रेन से। तो हम लोग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें ग्रोसरी प्राइसेस रहेगा, कजाकिस्तान में ग्रोसरी प्राइसेस क्या है, आपको कितना खर्चा आ जाएगा मंथली, है ना मानसी। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसके लिए, ग्रोसरीज का कितना तो, हम लोग ये जूस ले रहे हैं 495 का है, तो 100 रुपए के आसपास का है, 99 रुपए का है ये, तो एक ये लेंगे। और इसके पास ऑलरेडी चिप्स है जो इंडिया से लाई थी, और देखते हैं हम लोग और कुछ पसंद आए खाने के लिए तो वो ले लेंगे। वैसे ग्रोसरी स्टोर तो बहुत छोटा ही है। आई मिस नोबस सुपरमार्केट से हम लोग 100 रुपए में ये लाए हैं, 495 99 रुपीज में ये जूस लेके आए हैं। और हम लोग ये चिप्स, कुरकुरे और पानी, फिर भूख लगेगी तो फिर खाएंगे। इस पार्क में बैठ के हम लोग अभी खाएंगे, सुंदर सा जगह है, वहाँ पे पहाड़ दिख रहा है, थोड़ा सा इससे बाहर निकलना पड़ेगा मेरे को, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा दोस्त मेरे को बोला है दिल्ली एयरपोर्ट पे, सॉरी मेरा दोस्त मेरे को बोला दिल्ली एयरपोर्ट पे सब मैनेज हो जाएगा, 1-2 kg रहेगा एक्स्ट्रा तो मैनेज हो जाएगा। तो मेरा 23+7 kg था, जो कि एयरलाइन के थ्रू ऑफर किया गया था, और मेरा हुआ था 25+13, तो जिसके लिए मैं इसे 3700 लिया गया एयरपोर्ट पे। और तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितना वेट है और उसमें मेरे को 36700 जो मेरे को लिया, तो उसमें मेरे को 32 kg दिया 23 kg के जगह, 32 kg दिया मेरे को। तो ये चूतिया लोग हैं, इन लोगों से तो बात करना ही नहीं है। 1800 रुपये पर केजी है, तो समझ लो हम तो 500 सोच के ही डर गए थे इंडिया में। मेरा तो चूतिया कटा ही, आप लोग का चूतिया ना कटे, मेनली स्टूडेंट्स का। तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप लोग क्या करवाएं, कि जब जैसे MMT पे गो एबी वो फिर टिकट बनाते हैं ना, उस टाइम जब टिकट बनाने लोगों तो बस 2 या 3 हज़ार में आपको 23 किलो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब 23+23 46 kg +7 kg बेस्ट है, 40 kg में तो हो ही जाएगा। हम लोग अपना कुकर लाना भूल गए, भूले नहीं, निकालना पड़ा मेरे को क्योंकि वेट उतना हो नहीं पा रहा था। लेकिन अपने दोस्तों का कुछ कुछ सामान ले गया जो कि इम्पोर्टेंट था, मेडिसिन, तो अपना सामान छोड़ना पड़ा। शायद कोई अब आएगा तो उनके थ्रू मंगवाना पड़ेगा मेरे को सामान। तो हाँ, तो हमारा दोस्त राणा हम लोग से बिछड़ चुका है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हम लोग बिछड़े कैसे। तो ये, हाँ,
तो हमारे लाख मना करने के बावजूद भी वो फ्लाइट का नंबर फ्लाइट नंबर क्रॉस चेक नहीं किया और वो फ्लाइट बुक कर लिया। जब फ्लाइट बुक किया तो उसका एक जो अलमाटी से अस्थाना वाला फ्लाइट है वो उसका चेंज हो गया, और जो कि आज हम लोग का रात 12 बजे ट्रेन है सॉरी फ्लाइट है और उसका अभी और उसका अभी ही फ्लाइट है और वो चला भी गया हम लोग को छोड़ के। हम लोग का प्लानिंग था कि पूरा अलमाटी पूरी रात मतलब रात तक घूमे और देखे अलमाटी, और अब हम बस दो बचे हैं तो अब हम दोनों ही घूमेंगे अलमाटी। उसके बाद जब हम लोग का फ्लाइट होगा रात को तो हम लोग यहाँ से अलमाटी जाएंगे, फिर अलमाटी फिर हम तीनों एक साथ मिल जाएंगे, फिर वहाँ से घूमेंगे, फिर अलमाटी से यूके के तक का हम तीनों का फ्लाइट सेम में है। तो अब वो अकेला एंजॉय करेगा, अब वहाँ से अपडेट लेते हैं उसका भाई वो कर क्या रहा है। अभी बस टाइम हो रहे हैं 3 बज रहे हैं लेकिन हम लोग अभी तो कुछ खाए नहीं है, दिन के 3 खाए हम लोग तो हाँ पानी नहीं पानी और चिप्स। अभी हम लोग जा रहे हैं खोजने के लिए कि कोई अच्छा सा खाना कहीं और रीजनेबल प्राइस पे किसी रेस्टोरेंट में मिल जाए। तो हम लोग एयरपोर्ट से दूर जा रहे हैं और इसी बहाने हम लोग घूम भी लेंगे और उसके बाद प्लान बनाते हैं सिटी सेंटर का, सिटी सेंटर जाने का। यहाँ पे बस है तो बस से भी जा सकते हैं, बस का वैसे सिस्टम अभी पता नहीं है, किसी से बस का सिस्टम पूछना पड़ेगा कि बस से जाते कैसे हैं। बस इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कहाँ जाएगी, भोगजाल जाएगी ना। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा यूक्रेनियन आता है जो कि सिमिलर है रशियन से, तो हम लोग का हेल्प हो जा रहा है पढ़ने में रशियन लेटर पढ़ने में। यहाँ पर लैंग्वेज भी रशियन ही चलता है। तो ये हमारे सामने का व्यू है। हम लोग सोच रहे हैं कहीं कुछ खाने चले, इधर से चलते हैं। हमने जज कर दिया हाँ यहाँ के लोगों को, इंडिया के लोगों से। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं अभी है ना, आजा। बदले जा रहे मम्मी बच्चों को खेलने में मदद कर रही है। तो हम लोग को 29.50 टेंगे में एक वेज बर्गर, एक चिकन बर्गर, एक कोका कोला एंड एक फ्रेंच फ्राइज मिला, मतलब INR में 590 में। और ये बर्गर का दुकान है, अब बर्गर खा के ही पता चलेगा कैसा है। इंडिया के मुकाबले ठीक ही है, इंडिया में इतना भी यहाँ पे सस्ता है ना। हाँ आपको आपको एक ही बर्गर में बर्गर किंग में अपने को लग जाता था 350 के अराउंड एक मील लिया, तो यहाँ पे 590 में दोनों का हो रहा है। तो अभी आपको बताता हूँ कैसा है बर्गर, क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे जाके अभी हम लोग खाएंगे बर्गर, वहाँ पार्क में बैठने का नहीं हम। तो ये हम लोग का बर्गर आ चुका है, इसमें सबसे इसमें एक ही चीज वेज है, एक ये वेज है एक ये वेज है। मानसी के लिए बर्गर वेज बनवाना पड़ा कि भाई इसमें से चिकन निकाल दो और जो जो स्टफ है बस वो रहने दो। कौन सा वाला है, मेरा वाला। तो अब देखते हैं, मेरे को ये भारी लग रहा है मेरे को। तो बर्गर ऐसा है, इसमें एक बन है और अंदर में कुछ मटेरियल है, और इसका बर्गर ऐसा है। इसके पैसे भी कम देना चाहिए। खाने में कैसा लगा? मीठा मीठा सा है, मीठा मीठा यार, फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस। आलू टिक्की की जगह फ्रेंच फ्राइज से काम कर रहा है। बर्गर मीठा मीठा है, ज्यादा सॉसेज डाले डाला हुआ है, केचप भर रखा है, जितना केचप हो सकता है सब भर दिया इसमें। कोई नहीं अभी पेट भर जाए।
वही काफी। हमारी हम लोग इस पार्क में बैठ कर भी खा रहे हैं।